दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लोन ईएमआई डिफरमेंट के बारे में। जैसे आपको पता है आरबीआई ने भी एक सर्कुलर निकाला है कि अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है, चाहे पर्सनल लोन हो या कंपनीज हैं उन्होंने कोई टर्म लोन्स या वर्किंग कैपिटल लोन लिए होते हैं, तो आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है कि ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से जो भी आपका इफेक्ट पड़ा है उसके लिए आप जो लोन की ईएमआई है उसका आप 3 महीने के लिए डिफरमेंट कर सकते हो। बट इस केस में क्या है, वो एक्चुअली ये आपके जो लोन की ईएमआई है ये माफ़ नहीं हुई है, बिल्कुल डिफर नहीं हुई, बट ये आपको पेड करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये लोन की ईएमआई ऑटोमेटिक डिफर हो जाएंगे या आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए आपको बैंक को लेटर देना पड़ेगा। बट कुछ ही बैंकों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग रहे हैं, आप उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से उसे उसके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर जिस बैंक ने ऑनलाइन सबमिशन की एप्लीकेशन फैसिलिटी नहीं दी है उसके लिए आपको एक सिंपल लेटर लिखना पड़ेगा और बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप सबमिट करते हो तो उसके बाद बैंक आपकी लोन की ईएमआई को डेफर करेगा। तो इसीलिए आज मैं आपको बता देता हूँ, एक्सिस बैंक जो है उसने ऑनलाइन फैसिलिटी आपको दी है लोन की ईएमआई को डेफर करने के लिए। तो अगर आपने एक्सिस बैंक का लोन लिया हुआ है और आप उसको डेफर करना चाहते हो, उसको आप ऑनलाइन सबमिशन उसके लिए ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। तो कैसे करनी है, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी आपके पास ब्राउज़र है, मोबाइल से जैसे भी आप करना चाहते हो उसे खोलिए। यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए और वहाँ पे आपको लिखना है एक्सिस बैंक लोन ईएमआई मोड। यहाँ पे आपको इसको सबसे ऊपर आपके लिंक आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और ये लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे तो आपके सामने पेज खुलेगा, उस सबसे नीचे आपके यहाँ पे होगा पूरे सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको कुछ क्लैरिटी अगर लेनी है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको अवेल नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको लिखना है 91 से स्टार्ट करके, आप यहाँ पे अपना नंबर लिखिएगा और उसके बाद आपके पास ये कोड है, ये कैप्चा है, यहाँ पे आपको इसको फिल करना है और उसके बाद आपको सबमिट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको वहाँ डालना है और उसके बाद सबमिट कर देना है, जस्ट इतना ही काम है। उसके बाद आपकी जो लोन की ईएमआई है वो ऑटोमेटिक डेफर हो जाएगी, इसके लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप उस वहाँ पे ओटीपी डालोगे और ओटीपी डालने के बाद आपकी लोन की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आपको जो कंफर्मेशन है वो मैसेज के थ्रू आपके पास आ जाएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने लोन डिफरमेंट के लिए दी है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। और ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो।